नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 5G versus Vivo V21e 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 85G में 6.4 इंच जबकि Vivo V21e 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है जो कि 85G से कम है। विड्थ की बात करें तो 85G में 2.94 इंच जबकि Vivo V21e 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि 85G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 85G में 0.33 इंच जबकि Vivo V21e 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 85G में 185 ग्राम्स जबकि Vivo V21e 5G में 165 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 85G में IPS LCD जबकि Vivo V21e 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 85G में 6.5 इंचेस जबकि Vivo V21e 5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 85G में 83.92% जबकि Vivo V21e 5G में 84.37% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 85G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo V21e 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 85G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo V21e 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 85G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo V21e 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 85G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo V21e 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 7 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो 85G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Vivo V21e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 85G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo V21e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 85G में 5000mAh जबकि Vivo V21e 5G में 4000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 85G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,600 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo V21 E5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 25,250 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 8 5G में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V21 E5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Vivo V21 E5G आगे है, मेन कैमरा में Vivo V21 E5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20T है, दूसरा Realme Narzo 30 Pro है, तीसरा Realme 8 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।